खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने निगम उपचुनाव के मद्देनजर त्रिलोकपुरी में प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी वार्ड से बाहरी उम्मीदवार को उतारा है। त्रिलोकपुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। पानी की समस्या, आप किसी भी गली में चली आइए, हमारे वार्ड के हर गली मोहल्ले की समस्या है, गंदा पानी। जनता ये कहती है कि भाई चाहे हमसे आप पैसा ले लीजिए, लेकिन आप हमें साफ स्वच्छ पानी दीजिए, जिससे कि हम पानी को पी सके और अपने परिवार में और भी जो काम उन सब काम को हम कर सके। इतना ही नहीं, रामवीर सिंह ने कहा कि आपको एक प्रत्याशी भी क्षेत्र का नहीं मिला, बाहरी लोगों को लाकर उम्मीदवार बनाया है, बल्कि चुनाव प्रचार भी बाहरी लोग से कराया जा रहा है। बिधूड़ी ने कहा कि त्रिलोकपुरी वार्ड में पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद थे जो विधायक बन गए हैं, इसके बावजूद क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, क्षेत्र में गंदगी के अंबार है। क्षेत्र में आप गंदगी का अंबार है, आप गलियों में टूटी पड़ी है, नालियां भरी पड़ी है, लोगों के मकानों में सीलन पहुंच चुकी है। अब लोग इतने परेशान हैं, जो बड़े बड़े मकान बनाते हैं बेचारे, उनके मकानों में इतनी बड़ी समस्या है कि उनके मकान सारे गीले होकर उनका पसीना चढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव को लेकर सभी पार्टीज एक दूसरे की खामियों को गिनाते हुए उसे घेरने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में आज रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आपको निशाना साधा।